हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लू बेल ऑनलाइन स्टडी। आज हम फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के 10 एमसीक्यूज सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उनको हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का पार्ट 4 है। इससे पहले के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट की डिटेल्स चेक करनी हो, वो भी प्लेलिस्ट में फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का एक फोल्डर बना है, वहाँ पे फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट की डिटेल्स अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में ये पूछा गया है यूनिफॉर्म्ड सर्विस, मतलब हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो चारों ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो स्टाफ को यूनिफॉर्म सर्विस देता है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं रिजर्वेशन, रिसेप्शन, इन्फोडेस्क और लॉन्ड्री सर्विस। इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स लॉन्ड्री सर्विस। इसके अलावा इन तीनों पॉइंट्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि इन तीनों पॉइंट्स से रिलेटेड जो हमारे डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर हो जाए। जैसे रिजर्वेशन डिपार्टमेंट, रिजर्वेशन डिपार्टमेंट का मेन काम होता है होटल में बुकिंग लाना, चाहे वो मेल के थ्रू हो, चाहे वो टेलीकॉम के थ्रू हो, या चाहे वो ऑनलाइन बुकिंग हो, तो ये रिजर्वेशन का काम रहता है। इसके अलावा रिसेप्शन, रिसेप्शन डिपार्टमेंट का काम ये रहता है कि गेस्ट का चेक इन चेकआउट करना, इसके अलावा भी गेस्ट की सेटिस्फेक्शन का भी ध्यान रिसेप्शन डिपार्टमेंट रखता है। रिसेप्शन और रिजर्वेशन रिसेप्शन डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है। इन दोनों में एक मेन डिफरेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स, रिजर्वेशन को हम बैक ऑफिस के नाम से भी जानते हैं और रिसेप्शन को हम फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास बचता है वो है इन्फो डेस्क। इन्फो डेस्क का काम ये रहता है जब होटल में गेस्ट चेक इन कर लेता है, उसके बाद उसे वहाँ के लोकल साइट सीन के लिए, तो उससे रिलेटेड वो कहाँ पे कंसर्न करेगा, इन्फो डेस्क के पास। तो इन्फो डेस्क को हम ट्रैवल डेस्क के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप कि ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32। इसमें हमसे ये पूछा गया है रूम 4 पैक्स विद 4 SGL beds। सबसे पहले पैक्स के बारे में हम जान लेते हैं। होटल इंडस्ट्री में पर्सन को पैक्स बोला जाता है, जैसे एक पर्सन उसे बोला जाएगा होटल इंडस्ट्री में 1 पैक्स। उसके बाद 4 SGL, SGL शॉर्ट में लिखा गया है। SGL का फुल फॉर्म रहेगा सिंगल, ध्यान रखना है फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो उसका भी हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है जैसे रूम 4 packs with 4 single beds कि इनमें से ऐसा कौन सा रूम है जो 4 लोगों के लिए 4 single beds अरेंज करता है। तो ये 4 options हमारे पास दिए हैं। इसका आंसर है क्वाड। क्वाड में 4 bed लगे होंगे, पर बेड पर पैक्स के लिए लगा होगा, ठीक है। तो ये सेपरेट बेड लगे होंगे, तो ऐसे रूम को क्वाड रूम बोला जाता है जहाँ पे 4 लोगों के लिए अलग अलग बेड लगे होंगे। तो ये आंसर तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हमें डुप्लेक्स रूम का भी पता होना चाहिए, पार्लर रूम का भी पता होना चाहिए और कबाना का भी पता होना चाहिए। डुप्लेक्स रूम जैसे ये मान लो एक कमरा हो गया और इसी कमरे के अंदर एक रूम ये है 1 room और इसी के ऊपर एक और रूम है और इन दोनों रूम्स को स्टेयर के थ्रू इन दोनों रूम्स कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे रूम्स को डुप्लेक्स रूम बोला जाता है। और उसके बाद पार्लर रूम, पार्लर रूम एक तरह का लिविंग रूम होता है बट विदाउट बेड। इसमें बैठने के लिए सोफ़ा लगाया होगा और कुछ चेयर्स रखी होंगी, पर इसमें स्टे नहीं किया जाता है क्योंकि ये जस्ट ओनली लिविंग रूम होता है, तो इसे पार्लर रूम कहते हैं। और उसके बाद है कबाना रूम। कबाना रूम सभी रूमों से थोड़ा कॉस्टली रहता है क्योंकि कबाना रूम में सेपरेटली स्विमिंग पूल अटैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। CO स्टैंड्स फॉर, हमें बताना है कि CO का फुल फॉर्म क्या है। इसका आंसर है फ्रेंड्स चेकआउट। तो हमें यहाँ पे आंसर के साथ साथ स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है क्योंकि अगर हमें स्पेलिंग में भी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लान विद रूम टैरिफ इंक्लूडिंग आइदर लंच और डिनर। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हमें ये बताना है कि ऐसा इनमें से कौन सा प्लान है जिसमें रूम के टैरिफ के साथ लंच और डिनर भी ऑप्शन में दिया जा रहा है। इसका आंसर है MAP। प्लान्स के बारे में प्रीवियस वीडियोस में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, के पॉइंट्स को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। तो इसका आंसर है MAP। MAP का फुल फॉर्म है मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान। मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान में क्या क्या रहता है, इसमें
रूम रहेगा प्लस ब्रेकफास्ट रहेगा प्लस जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है लंच और डिनर, इन दोनों में से कोई एक मेजर मील रहेगा। गेस्ट चाहे तो वो लंच ले सकता है या गेस्ट चाहे वो डिनर ले सकता है, पर लंच और डिनर में सिर्फ एक मेजर मील इंक्लूड रहेगा MAP प्लान में, मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान में। तो ये ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। रूम तो इसमें इंक्लूड है, ठीक है, प्लस ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है, पर लंच और डिनर में इन दोनों मेजर मील में कोई एक मील गेस्ट चूज कर सकता है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम अब EP की बात करते हैं। EP का फुल फॉर्म है यूरोपियन प्लान। यूरोपियन प्लान में गेस्ट को रूम अवेलेबल होता है, बाकी गेस्ट अगर फूड्स ऑर्डर करना चाहे तो वो मेन्यू के अकॉर्डिंग और बुफे के अकॉर्डिंग जो चार्ज है वो पे करके फूड ले सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है AP। AP का फुल फॉर्म है अमेरिकन प्लान। अमेरिकन प्लान में रूम रहेगा, ब्रेकफास्ट रहेगा, लंच भी रहेगा और डिनर भी रहेगा। तो ये सभी जो भी मील है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सभी अमेरिकन प्लान में इंक्लूड होते हैं, इसके अलावा प्लस रूम। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स CP प्लान। CP का फुल फॉर्म है कॉन्टिनेंटल प्लान। इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, इसमें रूम प्लस ब्रेकफास्ट, बाकी गेस्ट जो लंच और डिनर करेगा वो उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये सभी डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। MAP का मतलब होता है मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान और CP का मतलब होता है कॉन्टिनेंटल प्लान, EP का मतलब होता है यूरोपियन प्लान, AP का मतलब होता है अमेरिकन प्लान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, वेकअप कॉल सर्विस। हमें बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कि वेकअप कॉल की सर्विस कौन प्रोवाइड करवाता है। इसका आंसर है फ्रेंड्स टेलीफोन ऑपरेटर। और ऑप्शंस में क्या क्या दिए गए हैं हमें, रिसेप्शन, बेल डेस्क, कैश एंड बिल। मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है तो एलिमिनेशन के माध्यम से भी क्वेश्चंस के आंसर निकाले जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों तो हमने कट कर दिया, बेल डेस्क नहीं हो सकता, कैश एंड बिल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम जिस सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं तो उस सिलेबस के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया पहले से ही होता है। तो यहाँ पे रिसेप्शन है और टेलीफोन ऑपरेटर है, इन दोनों में हमें हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो। तो यहाँ पे ये होगा कि जब हमें बात चल रही है कि वेकअप कॉल की, तो इसका आंसर रहेगा टेलीफोन सर्विस या टेलीफोन ऑपरेटर, तो इसकी तरफ हमारा आंसर थोड़ा ज्यादा जाता है तो ये मार्क कर देंगे। बट अगर टेलीफोन ऑपरेटर नहीं हो, टेलीफोन ऑपरेटर के अलावा इसकी जगह मान लीजिए हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट या FNB डिपार्टमेंट हो, ठीक है, रिसेप्शन तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो कॉमन सी बात है कि वेकअप कॉल की सर्विस जो है वो हाउसकीपिंग नहीं देगा और FNB सर्विस तो नहीं देगा, क्योंकि फूड एंड बेवरेज से रिलेटेड FNB सर्विस का काम रहता है या FNB डिपार्टमेंट का काम रहता है। तो इसके बदले हम क्या मार्क करते हैं, रिसेप्शन मार्क करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे होटल्स में रिसेप्शन से ही गेस्ट को वेकअप कॉल किया जाता है, जो गेस्ट टाइम देता है उसके अकॉर्डिंग गेस्ट को नाइट में रिसेप्शन पे जो ड्यूटी करता है उसका काम रहता है गेस्ट को वेकअप कॉल देना। पर यहाँ पे हमारे पास क्लियरली मेंशन है टेलीफोन ऑपरेटर, तो इसका आंसर रहेगा टेलीफोन ऑपरेटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस्ट विद नो रिजर्वेशन। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि हमें इन चारों में से बताना है कि गेस्ट के पास कोई रिजर्वेशन नहीं है तो उन गेस्ट को हम क्या बोलेंगे। इसका आंसर रहेगा वॉक-इन। वॉक-इन का मतलब ये हुआ कि ऐसे गेस्ट जिनकी होटल में ना तो कोई डिटेल हो और ना ही गेस्ट के आने की कोई इन्फॉर्मेशन हो, ऐसे गेस्ट को वॉक-इन गेस्ट कहा जाता है। इसके अलावा ये तीन ऑप्शंस भी दिए हैं, ये तीन ऑप्शन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया है, नो शो। नो शो का मतलब ये होता है कि गेस्ट की बुकिंग ऑलरेडी होटल के पास है बट गेस्ट की कोई कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है कि गेस्ट ने आना है या नहीं आना है, तो ऐसे गेस्ट की बुकिंग को रिसेप्शन वाले नो शो फोलियो में रखते हैं, ठीक है। तो नो शो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसके बाद स्कीपर और स्लीपर, मोस्टली इन दोनों में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। स्कीपर का मतलब होता है गेस्ट बिना बिल दिए होटल से भाग गया, तो ऐसे गेस्ट को स्कीपर बोलते हैं। और इसके अलावा अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन रहता है स्लीपर। स्लीपर का मतलब ये होता है कि ये ऐसे गेस्ट होते हैं जिन्होंने अपने पेमेंट्स सारे, इनके जो भी बिल्स वगैरह होते हैं वो सभी क्लियर हो गया होता है, पर इन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेकआउट नहीं करा है। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का गेस्ट का जो फोलियो बना है रूम का, तो उसमें अभी चेकआउट शो नहीं हुआ है, तो ऐसे मतलब गेस्ट का जो रूम है वो अभी भी ऑक्यूपाइड है, तो ऐसे गेस्ट को स्लीपर कहा जाता है कि पे कम्प्लीटली गेस्ट कर चुका है पर गेस्ट ने रूम अभी चेकआउट नहीं किया है, तो ऐसे गेस्ट को स्लीपर बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है बैक ऑफ द।
हाउस डिपार्टमेंट, हमें बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कि इन चारों में से कौन सा होटल इंडस्ट्री का कौन सा डिपार्टमेंट है जो बैक हाउस के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है परचेज। परचेज डिपार्टमेंट का काम डिपार्टमेंट के साथ ही रहता है, गेस्ट के साथ कोई इंट्रैक्शन परचेज स्टाफ का नहीं होता है। परचेज में कौन आता है, जैसे स्टोर कीपर हो गया। इसके अलावा ये जो तीन ऑप्शन है इनके बारे में भी जान लेते हैं। फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट डायरेक्ट गेस्ट से इंट्रैक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रंट ऑफिस, ये तो नाम से ही लग रहा है जैसे फ्रंट ऑफिस। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हेल्थ क्लब, जहाँ पे गेस्ट टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे इन हाउस एक्टिविटीज़ होती है, आउटडोर एक्टिविटीज़ भी होती है, उस डिपार्टमेंट को हेल्थ क्लब के नाम से जाना जाता है। तो ये भी फ्रंट ऑफ द डिपार्टमेंट होता है या फ्रंट ऑफ द हाउस होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है GRC फुल फॉर्म, हमें इन चारों में से GRC का फुल फॉर्म बताना है। इसका आंसर है गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड। इसके अलावा GRE भी होता है, उसका फुल फॉर्म रहता है गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है VISA स्टैंड्स फॉर, हमें VISA का फुल फॉर्म बताना है इन चारों में। इसका आंसर रहेगा विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। क्वेश्चन है अ गेस्ट विद नो लगेज, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसा गेस्ट जिसके पास लगेज ही नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे। इस गेस्ट को बोलेंगे हम स्कैंडी बैगेज। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, जो गेस्ट स्कैंडी बैगेज वाले गेस्ट होते हैं जिनके पास कोई भी लगेज नहीं होता है, जब वो रिसेप्शन पे चेक इन करते हैं तो चाहे वो वन नाइट का स्टे हो चाहे वो टू नाइट का स्टे हो, मोस्टली फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का यही प्रेफरेंस रहता है कि उस गेस्ट से कम्प्लीटली बिल लिया जाए। इसके अलावा तीन और ऑप्शंस हमारे पास हैं, इन तीनों का भी हमें पता होना चाहिए। जैसे FIT, FIT का मतलब होता है फ्री इंडिविजुअल टूरिस्ट। एक FIT होता है फ्रेंड्स, एक GIT होता है। FIT का मैंने अभी आपको बताया और GIT ग्रुप इंडिविजुअल ट्रैवलर। FIT गेस्ट जो है या तो वो अपनी फैमिली के साथ आएगा या वो फ्रेंड्स के साथ आएगा, और GIT ये ग्रुप में होंगे, 20 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस जैसे कि इसके फुल फॉर्म के साथ ही हमें क्लियर हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया था स्लीप आउट। स्लीप आउट का मतलब होता है कि गेस्ट ने होटल में चेक इन कर लिया है पर गेस्ट ने रूम या बेड अभी तक यूज नहीं किया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास नो शो। अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया था नो शो का मतलब ना। नो शो का मतलब ये होता है कि गेस्ट की बुकिंग ऑलरेडी होटल के पास है पर गेस्ट के चेक इन का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि गेस्ट ने चेक इन करना है या नहीं करना है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ और जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। आई होप कि आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आ रहा होगा। बहुत टाइम लगता है इस तरह के कंटेंट को इकट्ठा करने के लिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कंटेंट अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो होटल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड तैयारी कर रहा हो, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।